जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन इन आर कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे दी कंपोनेंट मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन, देन उसके बाद फिर आगे हम इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। जी कंपोनेंट मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना है? इट्स बेसिकली इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू क्लासिफाई द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स या कंपोनेंट, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपने डिसाइड करना है, कैसे आपने इसको क्लासिफाई करना है, सो दैट इट कैन बी डिस्कवर्ड, ताकि डिस्कवरेबल हो, इससे जो है कंपोनेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो ऑल टाइम अवेलेबिलिटी हमारे पास, इसके हम बात को जो है श्योरिटी मेक श्योर करना है, आइदर इन अ रिपोजिटरी और अ सर्विस। इसको हमने एज अ रिपोजिटरी में इसको लेके जाना है, या एज अ सर्विस हमने इसको निकाल के इस्तेमाल करना है, इसको हमने रेस्ट श्योर करना है। इसीलिए हमने इसको क्लासिफाई करवाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड कीपिंग द ट्रैक ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट वर्जन्स। इससे ये फायदा होगा क्लासिफिकेशन में, डिफरेंट जो कंपोनेंट के वर्जन हैं उसका ट्रैक भी रख सकते हैं इजीली। सो क्लासिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व है जी कंपोनेंट की मैनेजमेंट में, सो दैट ये डिस्कवरेबल हो जाए, अवेलेबल हो आपकी रिपोजिटरी में या एज अ सर्विस, या जब आपने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इसको एसोसिएट करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी कंपोनेंट सर्टिफिकेशन। अ कंपनी विद अ रीयूज प्रोग्राम मे कैरी आउट सम फॉर्म ऑफ कंपोनेंट सर्टिफिकेशन बिफोर द कॉम्पोनेंट इज मेड अवेलेबल फॉर री यूज। जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला, कि कंपनी जो है विद अ री यूज प्रोग्राम क्या कर सकती है, वो कैरी आउट कर सकती है सम ऑफ द फॉर्म जो आपकी कॉम्पोनेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने कॉम्पोनेंट को सर्टिफाई कर दिया है क्लासिफिकेशन के बाद, कॉम्पोनेंट सर्टिफिकेशन का मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो कॉम्पोनेंट फिर अवेलेबल होगा बार बार रीयूजबिलिटी के लिए और इंटेग्रेशन के लिए, और आपके बकायदा जो है परमानेंट जो है आपके सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उस मॉड्यूल में। सर्टिफिकेशन मींस दैट सम वन अपार्ट फ्रॉम द डेवलपर चेक्स द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने अपार्ट फ्रॉम द डेवलपर चेक्स द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट, वो क्या करता है कंपोनेंट की क्वालिटी को चेक करता है। सर्टिफिकेशन तो इसी बात की ना, कि हमने टेस्ट किया, उसको बार बार वेरीफाई किया, हमने इसको चेक किया कंपोनेंट की क्वालिटी को, तो इट मींस के कंपोनेंट अब आपका सर्टिफाइड हो चुका है। सो मोस्टली क्या होता है, ऑफन ऑर्गेनाइजेशंस लीव टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेकिंग टू द कंपोनेंट डेवलपर्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि जो कंपोनेंट के डेवलपर्स हैं ये उन पे जिम्मेदारी डालती हैं, कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वेरीफाई करें, उसको चेक करें, उसकी क्वालिटी को रेस्ट श्योर करें, सो दैट कि हम इसको अपने जो है प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकें, हम अपने सिस्टम का हिस्सा इसको बना सकें। जी नेक्स्ट वन हमारा CBSE विद रीयूज। CBSE हम उसको देखा था हमने रीयूज के रीयूजबिलिटी की, विद रीयूज हम इसको आज देखेंगे दोबारा, CBSE विद रीयूज। CBSE विद रीयूज प्रोसेस हैज टू फाइंड एंड इंटेग्रेट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। आई अगेन रिपीट, इट मींस के CBSE कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद रीयूज मींस के वी हैव टू फाइंड आउट एंड इंटेग्रेट रीयूजेबल कंपोनेंट। हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स की बात करनी है इंटीग्रेशन के लिए, आगे मॉड्युलैरिटी के लिए, और मजीद हमने इसको मॉडिफाई करना है तो हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स ही काम आएंगे। व्हेन रीयूजिंग कंपोनेंट्स इट इज एसेंशियल टू मेक ट्रेड ऑफ्स बिटवीन आइडियल रिक्वायरमेंट्स एंड द सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द अवेलेबल कंपोनेंट्स। जी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट टू रिमेंबर, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपोनेंट्स, जब आप मैं बात करता हूँ रीयूजबिलिटी की, व्हेन रीयूजिंग कंपोनेंट्स, तो ये जरूरी होगा आपके लिए कि आप उसके ट्रेड ऑफ्स बनाए, लाजमी कि आपको असल में हकीकतन जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सर्विसेज हैं, जो आप पास अवेलेबल कंपोनेंट्स जो उन्होंने प्रोवाइड करनी है, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, हमारी आइडियल सिचुएशन क्या होगी, हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, अगर मैं इस रीयूजबल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ तो किस सिचुएशंस में मेरे पास सर्विसेज जो हैं एक्चुअली गेन की तरफ जाएंगी, और किस सिचुएशन में हमारे पास सर्विसेज का जो थ्रूपुट है या आउटपुट है वो कम आएगा, हमारे लिए आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। दिस इन्वॉल्व्स
डेवलपिंग दी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स, आपने ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना है। नंबर टू, सर्चिंग फॉर कंपोनेंट्स, तलाश कंपोनेंट्स की, देन मॉडिफाइंग रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल फंक्शनलिटी, जो आपको मिल गए। ठीक है, सर्चिंग फॉर कंपोनेंट्स, जब आपको मिल गए, सर्च करने के बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फंक्शनलिटी, जो उसकी फंक्शनलिटी अवेलेबल है उस कंपोनेंट की, आपने चेक करना है कि यार मैंने इसको मजीद मॉडिफाई करना है या इसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना है या इनहेंस करना है, तो आई नीड सम मॉडिफिकेशन, आई नीड सम अल्टरेशन इन द कॉम्पोनेंट्स। सो ये अभी आपकी रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। नंबर थर्ड पे सर्चिंग अगेन, दोबारा सर्च करना है टू फाइंड इफ देयर आर बेटर कॉम्पोनेंट्स दैट मीट द रिवाइज रिक्वायरमेंट्स, क्या इससे भी बेहतर कॉम्पोनेंट्स हैं जो मैंने चूज किया है मॉडिफाई करने के लिए, क्या इसके अलावा भी मैं दोबारा सर्च करता हूँ या करती हूँ कि बेटर कॉम्पोनेंट अवेलेबल है जो रिवाइज रिक्वायरमेंट्स पे को पे पूरा उतरता है, मीट करता है। इसके बाद कंपोजिंग कंपोनेंट्स टू क्रिएट द सिस्टम, अब आपने जब आपको मिल गए, जब आपने अगेन एंड अगेन सर्च किया, जब आपने कर लिया कि यार मॉडिफिकेशन के लिए कंपोनेंट्स बेस्ट हैं, तो व्हाई नॉट जब उन कंपोनेंट्स को कंपोज किया जाए सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, अभी वो टाइम आ गया है कि कंपोनेंट्स को कंपोज किया जाए, कंपोजिंग द कंपोनेंट्स टू क्रिएट द सिस्टम, सो दैट हम इनको इंटेग्रेट भी करेंगे अपने सिस्टम की क्रिएशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। जी, इसमें कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आउटलाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में बात कर रहा था, रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट्स, यहाँ पे सर्च आपकी अगेन एंड अगेन आ सकती है आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट्स एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिस्कवर्ड कंपोनेंट्स, ये जो पीछे मैं बात कर रहा था, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करना है, आपने मॉडिफाई करना है रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्कवर्ड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, फिर आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन आ जाएगा उसमें, जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद आपने दोबारा फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है कैंडिडेट कंपोनेंट्स की, और देन उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके पास बेटर कंपोनेंट सामने आता है या नहीं आता, देन आपने उसको उनकी सारों की कंपोजिशन करनी है, कंपोज कंपोनेंट्स टू द टू क्रिएट द सिस्टम एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन दिस स्टेप। ये देखें, इसको हमने प्रोसेस जो है इन्वॉल्वेबिलिटी है, इन चीजों को मैंने डायग्राम बना के आपको यहाँ पे दिखा दिया है। जी, नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, द कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड इश्यूज, कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से प्रोसेस और इश्यूज आएंगे सामने, उनको हम देखते हैं। इसमें आता है जी, सबसे पहले फर्स्ट वन कंपोनेंट सर्च, देन कंपोनेंट सिलेक्शन, एंड आफ्टर दैट कंपोनेंट वैलिडेशन। कंपोनेंट सर्च क्या है जी, और कंपोनेंट सिलेक्शन क्या है, और वैलिडेशन क्या है, इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले दो तीन पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो बहुत जरूरी पॉइंट्स है। सबसे पहली बात होती है ट्रस्ट, यू नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट द सप्लायर ऑफ कंपोनेंट। अगर आप सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं तो रिमेंबर, आपको इस काबिल होना पड़ेगा या आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी रखनी पड़ेगी कि आप यू हैव टू ट्रस्ट द सप्लायर ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का जो या जो सप्लायर है उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो कोई डेवलपर भी हो सकता है, कोई एनालिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एट बेस्ट एन अनट्रस्टेड कंपोनेंट में नॉट ऑपरेट एज एडवर्टाइज्ड, एट वर्स्ट इट कैन ब्रेच योर सिक्योरिटी। अगर मैं अनट्रस्टेड कंपोनेंट की बात करूं, इसको यू मे नॉट ऑपरेट एज एडवर्टाइज्ड, जो एडवर्टाइज किया उस तरह आप उसको ऑपरेट ना करें, या अगर बहुत ही बुरी कंडीशन में जाऊं, एट वर्स्ट इट कैन ब्रेच योर सिक्योरिटी, या आपकी सिक्योरिटी को ब्रेच कर सकता है। सो ट्रस्ट जो है, दैट इज द मेन की पॉइंट। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपोनेंट्स विल सेटिस्फाई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं कॉम्पोनेंट्स के, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। डेफिनेटली कॉम्पोनेंट्स हैं, डेफिनेटली हर स्टेज पे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो डेफिनेटली उनके वो सेटिस्फाई भी करेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को। इसके बाद ये वैलिडेशन, द कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन में नॉट बी डिटेल्ड इनफ टू अलाउ कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट टू बी डेवलप्ड। समटाइम ये भी हो जाता है, जब आप वैलिडेशन की बात करें, जो जो स्पेसिफिकेशन कॉम्पोनेंट लेवल पे आपने बताई थी, वो इतनी हो सकता है कि इतनी डिटेल्ड इनफ ना हो कि वो आपको अलाउ कर सके, आपको जो कॉम्प्रीहेंसिव जो आपने टेस्ट उस पर लगाने हैं, दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड
फॉर द कॉम्पोनेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी हो सकता है वैलिडेशन में पॉइंट सकता है, और कॉम्पोनेंट्स में हैव अनवांटेड फंक्शनैलिटी, हो सकता है जो फंक्शनैलिटी आप उस कॉम्पोनेंट से या उन कॉम्पोनेंट से रिक्वायर कर रहे हैं वो वांटेड फंक्शनैलिटी नहीं है, जबकि अनवांटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, हाउ कैन यू टेस्ट दिस विल नॉट इंटरफेयर विद योर एप्लीकेश्शन, तो हाउ यू विल रेस्ट श्योर के टेस्ट कैसे आप टेस्ट करेंगे दिस विल नॉट इंटरफेयर विद योर एप्लीकेशन, कि आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा या करेंगे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, तो ये वैलिडेशन में ये पॉइंट्स भी आते हैं, ये इश्यूज थे कुछ। तो अब मैं वैलिडेशन को आगे लेके चलता हूँ, कॉम्पोनेंट वैलिडेशन में क्या चीज आएगी, इस वैलिडेशन को मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए जी हमारा कॉम्पोनेंट वैलिडेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कॉम्पोनेंट वैलिडेशन, कॉम्पोनेंट वैलिडेशन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस, क्या इन्वॉल्व है जी इसमें, इट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस, सेट नॉट ओनली अ सिंगल टेस्ट बट टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस एक कॉम्पोनेंट के लिए, और पॉसिबली एक्सटेंडिंग टेस्ट केसेस सप्लाइड विद अ कॉम्पोनेंट, या कॉम्पोनेंट के साथ जो टेस्ट केसेस आपको सप्लाई किए गए आपने उसको एक्सटेंड करना है, लेकिन डेवलप करने मजीद सेट पूरा बनाना है टेस्ट केसेस का फॉर अ कॉम्पोनेंट का, क्यों करना है आपने उसकी वैलिडेशन के लिए, एंड डेवलपिंग अ टेस्ट हार्नेस टू रन कॉम्पोनेंट टेस्ट, और टेस्ट हार्नेस आपने डेवलप करनी है टू रन कॉम्पोनेंट टेस्ट, उन कॉम्पोनेंट टेस्ट को रन करने के लिए। अच्छा अब इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, द मेजर प्रॉब्लम विद कॉम्पोनेंट वैलिडेशन इज दैट द कॉम्पोनेंट स्पेसिफिकेशन में नॉट बी सफिशियंटली डिटेल, जिस तरह मैं पीछे भी बात कर रहा था, समटाइम्स ये होता है कि वैलिडेशन में आपकी जो कॉम्पोनेंट स्पेसिफिकेशन है वो डिटेल्ड उसको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं होती है आप लोगों के पास, सो दैट अलाउ यू टू डेवलप अ कंप्लीट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट टेस्ट, जब आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आप कैसे कंप्लीट सेट ऑफ जो है टेस्ट केसेस आप बना सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्पोनेंट टेस्ट आप नहीं डेवलप कर सकते, तो मेजर प्रॉब्लम है ये कंपोनेंट की वैलिडेशन में। तो आपके पास इसका मतलब है फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट यू मस्ट हैव अ डिटेल स्पेसिफिकेशन, रिमेंबर आई रिपीट यू मस्ट हैव अ सफिशियंट डिटेल फॉर ईच कॉम्पोनेंट, आपके पास हर कॉम्पोनेंट की सफिशियंट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, एज वेल एज टेस्टिंग दैट अ कॉम्पोनेंट फॉर री यूज डज वट यू रिक्वायर, एज वेल एज ये भी होता है टेस्टिंग दैट अ कॉम्पोनेंट फॉर री यूज डज वट यू रिक्वायर, जिस बात के लिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक है, ये यू मे ऑल्सो हैव टू चेक दैट द कॉम्पोनेंट डज नॉट इंक्लूड एनी मनीशियस कोड फॉर फंक्शनैलिटी दैट यू डोंट नीड, रिमेंबर यू ऑल्सो नीड टू टेस्टिफाई दैट योर कॉम्पोनेंट शुड नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस और मलिशियस कोड सो दैट इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो, सो दैट द फंक्शनैलिटी दैट यू डोंट नीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, रिमेंबर एंड रिमेंबर द अराइंस 5 लॉन्चर फेलियर जो 96 में हुआ था, क्या ये कॉम्पोनेंट वैलिडेशन फेलियर थी, इस पे सोचते हैं। एक और कोट है जी, हैविंग डिवाइडेड टू कॉन्कर वी मस्ट रीयूनाइट टू रूल, रिमेंबर माइकल जैक्सन ने 1990 में कहा था, ही सेड इन 1990s हैविंग डिवाइडेड टू कॉन्कर बट रिमेंबर वी मस्ट रीयूनाइट टू रूल, आपको रीयूनाइट करना पड़ेगा, रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है, यू मस्ट रीयूनाइट टू रूल, रूल करना है तो यू मस्ट रीयूनाइट, इसके बावजूद भी कि हैविंग डिवाइडेड टू कॉन्कर बट वी मस्ट रीयूनाइट रीयूनाइट टू रूल, तो इसमें भी ये बात फिट आती है कंपोनेंट की कंपोजिशन में। तो कंपोनेंट जब आपने एसोसिएट करने हैं, इंटेग्रेट करने हैं, कोई रीयूजेबिलिटी की तरफ लेके आना है, तो यू मस्ट रीयूनाइट देम टू रूल ताकि सिस्टम को रूल कर सके। कंपोनेंट कंपोजिशन की बात करा था, कंपोनेंट कंपोजिशन क्या है, इट एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द कंपोनेंट्स टू क्रिएट अ सिस्टम, यस ये तो मैं मालूम है, कंपोनेंट्स को कंपोज करना से मुराद यही होता है कि आपने असेंबल करना है इन अ सिंपल वे, किस लिए, टू क्रिएट अ सिस्टम, यस। कंपोजिशन इन्वॉल्व्स आल्सो इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग कंपोनेंट, जोड़ना विद ईच अदर एंड विद द कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लेकर आना, सो दैट कि कंपैटिबिलिटी जो है जो सारे कंपोनेंट्स की आपस में वो मेंटेन रहे। नॉर्मली यू हैव टू राइट ग्लू कोड, ग्लू को मतलब होता है
वैसे तो यू नो दैट कि किसी को बॉन्डिंग करना, ग्लू कोड आपने राइट करना है टू इंटेग्रेट कंपोनेंट्स। डेफिनेटली जब आपने कंपोनेंट्स को इंटेग्रेट करना है तो आपको ग्लू कोड की जरूरत है। ग्लू कोड क्या चीज है? हमारी सीबीएसई के टर्म में एक खास किस्म का स्पेसिफिक कोड। वो कौन सा कोड? जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ ग्लू कोड यू कैन एसोसिएट और यू कैन इंटेग्रेट योर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, जिसकी मदद से आप अपने कॉम्पोनेंट्स को आपस में बॉन्डिंग कर सकते, चिपका सकते। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया ग्लू कोड, इसलिए टू इंटेग्रेट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। तो जी ये जी आपकी कुछ चीजें थी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट कंपोजिशन की। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ तक रखता हूँ, आप इसको बार बार देखिएगा।